नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारा चैनल हर सप्ताह निशुल्क ज्योतिषीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराता है। अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। सबसे पहले आप सभी मेष राशि वालों को आने वाले वर्ष 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आने वाला वर्ष आप सभी के जीवन में कई सारी खुशियां भर दे। आप सभी के मन की इच्छाएं इस वर्ष में पूरी हो। जो भी आप चाहते हैं वो इस वर्ष में आपको मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में 1 तारीख को मंगलवार का दिन है, एकादशी तिथि रहेगी। स्वाति नक्षत्र दिन में 8:44 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा। पूरे दिन में गुरु का नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा तुला राशि से आपके सप्तम भाव से व्यापार भाव से गोचर करेंगे, जो आपके कारोबार में मंदे की स्थिति को समाप्त करेंगे। कारोबार में तेजी आएगी, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मुनाफे के सौदे होंगे, मन में प्रसन्नता बनेगी। आपके पास इस दिन धन आने के संकेत हैं। जॉब करने वालों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके पुराने अधूरे काम कंप्लीट होंगे, आपके टारगेट कंप्लीट होंगे। नई जॉब के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। 2 तारीख बुधवार का दिन द्वादशी तिथि रहेगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 9:39 तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि से आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। दिन भर के समय शनि का नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। बहुत अधिक मेहनत आपको इस दिन करनी पड़ सकती है। अपने कारोबारिक स्थल पर बहुत अधिक मेहनत करेंगे, भागदौड़ भी बढ़ेगी। इस दिन आप धन का निवेश ना करें, जैसा चल रहा है चलने दें। बातचीत करते समय सावधानी रखें, किसी के साथ भी बहस में ना पड़े। घर परिवार से धन दौलत प्राप्त हो सकती है, मन में प्रसन्नता बनेगी, मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। व्यापार के लिए यात्राओं का योग भी आपके लिए बन सकता है। इस दिन आपको खाने पीने का ख्याल जरूर रखना चाहिए, सेहत का भी ख्याल रखें। दोस्तों, 3 तारीख को गुरुवार का दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी। अनुराधा नक्षत्र दिन में 11:03 तक रहेगा। उसके बाद के समय में ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा, जिसका स्वामी बुध है। चंद्रमा वृश्चिक राशि से ही आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। आपके कारोबार में अचानक से कुछ प्रॉफिट हो सकता है, धन का लाभ होने की संभावना बनेगी। कारोबार के लिए आप धन का निवेश भी करने के बारे में सोच सकते हैं। काम करने की नीति में कुछ बदलाव कर सकते हैं। मन में प्रसन्नता रहेगी, कारोबार से फायदा होगा, धन आ सकता है, रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। हालांकि कुछ मामलों में आपके खर्च भी बढ़ेंगे, आपके शौक भी इस दिन बढ़ सकते हैं। परिवार के कुछ रुके हुए कामों को निपटाने के लिए भी आपको धन को खर्च करना पड़ सकता है। कारोबार के लिए धन का निवेश इस दिन किया जा सकता है। जॉब करने वालों के काम कंप्लीट होंगे, मन में प्रसन्नता बनेगी, अपने मित्रों का साथ भी मिलेगा, नए नए रिश्ते भी आपके इस समय में बन सकते हैं। लव लाइफ बेहतर होगी, मैरिड लाइफ में भी खुशियां आएंगी। हालांकि काम का अधिक प्रेशर आप महसूस जरूर करेंगे। इस दिन आपको बड़ी जिम्मेवारी वाला काम नहीं पकड़ना चाहिए। 4 तारीख शुक्रवार को चतुर्दशी तिथि रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दिन में 12:53 तक रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा, जिसका स्वामी केतु है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में शाम तक के समय के लिए रहेंगे। उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा के भाग्य स्थान में आ जाने की वजह से भाग्य आपका चमकेगा। केतु का नक्षत्र होने की वजह से अचानक धन लाभ होगा। आप अपनी चतुराई से बड़े मुश्किल काम को आसान बना देंगे। सरकार से आपको फायदा होगा, सरकारी कामों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी, मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। इस समय में धर्म के काम में भी विश्वास बढ़ेगा, धार्मिक कामों में आपकी रुचि होगी, पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये समय स्टूडेंट्स के लिए, जॉब करने वालों के लिए लक्की साबित होगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, अपने टीचर्स का साथ भी आप पाएंगे। अपने एग्जाम्स में जाते हैं तो सफल होंगे।
जॉब करने वालों को नई जॉब के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। आपके इस दिन काम कंप्लीट होंगे, ये समय आपके लिए लक्की साबित होगा। दोस्तों 5 तारीख शनिवार का दिन अमावस्या तिथि रहेगी। मूल नक्षत्र दोपहर के 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद के समय में पूर्व साढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा, जिसका स्वामी सूर्य है। चंद्रमा धनु राशि से भाग्य स्थान से गोचर करेंगे। जबरदस्त तरक्की आपको मिलेगी, जो भी आप चाहेंगे उसमें सफल होंगे। शुभ कामों को किया जा सकता है। पिता के साथ रिश्तों में मिठास आएगी। घर परिवार के आपसी मतभेद भी समाप्त होंगे। जमीन जायदाद के विवाद सुलझ सकते हैं। ये समय आपके लिए बेहतरी वाला है। इस समय में आप जो भी फैसला लेंगे आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों 6 तारीख रविवार का दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी। पूर्व साढ़ा नक्षत्र शाम के 5:43 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर साढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा। दोनों नक्षत्र सूर्य के हैं। चंद्रमा धनु राशि में आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 7 तारीख को सोमवार का दिन द्वितीया तिथि रहेगी। उत्तर साढ़ा नक्षत्र रहेगा। रात के 8:36 तक उत्तर साढ़ा नक्षत्र रहेगा। सूर्य का नक्षत्र होगा। चंद्रमा मकर राशि से आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे, जो आपके करियर में बड़ी तरक्की आपको दिलवा सकते हैं। इस दिन सामाजिक स्तर पर भी आपका दायरा बढ़ेगा। बड़े बड़े लोगों से भी संबंध कायम होंगे। मुकदमे में आपकी जीत हो सकती है। दिन आपके लिए भाग्यशाली है। आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपका हौसला पराक्रम देखने वाला होगा। आपका कॉन्फिडेंस देखने वाला होगा। हर काम को आप शीघ्र ही निपटा लेंगे। दिन आपके लिए बहुत शुभ है। शुभ कामों को किया जा सकता है। दोस्तों ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।